ऐसे तो पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इसे सुधारने का प्रयास कई दशकों से हो रहा है, सालों से नहीं कहेंगे, कई दशकों से कहेंगे, लेकिन आज तलक व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकी। जब रांची रिम्स की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम अन्य जिले के अस्पतालों की बात क्या करें, लेकिन बात तो यहां करना पड़ेगा, ताकि जब ये जब हम बात नहीं करेंगे तो अपने जिले की अस्पताल की व्यवस्था कैसे सुधरेगी। हम बात गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर अस्पताल की कर रहे हैं। हर वक्त बात आती है कि आखिर कब और कितना साल इंतजार ताकि गढ़वा सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधर सके। बहुत तेरे प्रयास हुए, राजनीतिक प्रयास हुए, प्रशासनिक प्रयास हुए, लेकिन न जाने क्यों पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाती। हां, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवस्था एकदम से खत्म है, नहीं सुधरी है, व्यवस्थाएं सुधरी है, बहुत हद तक सुधरी है, लेकिन न जाने वह कौन ऐसा कुंडली मारकर बैठा हुआ है जो जितनी व्यवस्थाएं सुधरती हैं उससे ज्यादा बिगड़ जाती है। सदर अस्पताल है जिला मुख्यालय का, जिस पर लाखों की आबादी निर्भर है, सबकी स्वास्थ्य व्यवस्था निर्भर है। वहां मरीज जाते हैं, अस्पताल में दवा नहीं मिल पाता है। हर बार यह बात आती है, समाचार पत्रों में, अखबारों में खबरें छपती हैं कि दवा नहीं मिल पाता है मरीजों को, बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं, बेड पर चादर नहीं रहता, कंबल नहीं मिलता, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं दवा के, लेकिन दवा की बातें तो बड़ी बातें। एक बार हम आपको खबर दिखाए थे जो वर्तमान विधायक के स्वास्थ्य प्रतिनिधि है कंचन साहू उस समय भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक टैबलेट जो खराब दिया जा रहा था मरीजों को, ऐसे हाथ से आप उसको दबाते तो वह टूट जाया कर रहा था, धूल हो जाया कर रहा था। इस तरह तो इस तरह की अक्सर बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी यह अक्सर प्रश्न बना। अभी कुछ दिनों के लिए एक टीम आई हुई है उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि आखिर गढ़वा जो सदर अस्पताल है उसकी व्यवस्थाएं कितनी सुधरी। अभी वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं इसलिए बातें सामने नहीं आई, लेकिन कल से उन्होंने जांच करना शुरू किया। कल वो सदर अस्पताल का जांच किए, आज संभवतः वो जिले के सुदूर प्रखंड में जो अस्पताल अवस्थित है वहां गए हैं जांच करने। कल जो सदर अस्पताल में जांच कर रहे थे तो उस जांच में पाए कि मेडोर लैब का नाम सुने होंगे आप, अक्सर आपको भी वास्ता पड़ा होगा जब अस्पताल में गए होंगे किसी जांच कराने के लिए। तो मेडोर लैब में जब आप जाते हैं तो आपको पहले बिलिंग कराना पड़ता है, अपना नाम पता सब देना पड़ता है। अगर आपके पास अपना बीपीएल कार्ड नहीं है, नंबर नहीं है, तो आपको पैसे की अदायगी करनी पड़ती है, लेकिन अगर बीपीएल कार्ड है तो निःशुल्क वह जांच हो जाता है आपका। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा इसलिए कि बाहर जब आप निजी संस्थानों में जांच कराते हैं, निजी जांच घरों में जांच कराते हैं, तो वहां आप पाते हैं कि हाँ जांच आप दे दिए हैं, सिंपल अपना दे दिए हैं, तो रिपोर्ट आपको कल या परसों में मिलेगा। सदर अस्पताल में भी यही है। तो शायद आप सोचते होंगे कि शायद हर जगह ऐसा होता है, जहां पर जांच आज सैंपल दिया गया तो कल परसों में रिपोर्ट हमारा आएगा, लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है कि वह रिपोर्ट आपको वहीं पर मिल जाना है, जांच तुरंत हो जाना है, शाम तक मिल जाना है आपको, सुबह में अगर जांच किए आप तो। लेकिन यह इसलिए है कि मेडोर लैब में जो मशीन है, जो उपकरण है, वह खराब है, इसलिए जांच जो सैंपल देते हैं आप वह आपको एक दिन बाद, दो रोज बाद आपको मिल पाता है, यह स्थिति है। तो यही सब बातें हैं कि आखिर व्यवस्थाएं कब सुधरेगी। एक तरफ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ यहाँ पर अस्पताल में वीडियो में कि दलालों से सावधान, लेकिन दलाल अस्पताल में इस तरह हावी हैं। पिछले दिनों जब ये बात सामने आई थी एक निजी अस्पताल की, उस समय से उपायुक्त द्वारा जांच किया जा रहा है, निजी अस्पतालों की जांच की गई, कई निजी अस्पताल द्वारा अपने कागजात सरेंडर किए गए। सदर अस्पताल में जब मरीज जाते हैं तो उन्हें यहाँ जो दलाल हावी हैं वह दलाल ले जा करके उन्हें समझाते हैं और निजी अस्पतालों में भर्ती कराते हैं। इस तरह का यहाँ पर दलाल हावी रहते हैं,
भले लिखा हुआ कि दलालों से सावधान, लेकिन लोग उनके झांसे में आ ही जाते हैं। इस तरह की बातें हैं। एक बात और हम कहेंगे, यहां पर यह भी बात सामने आई है कि पिछले दिनों आप भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपने जाना होगा कि भारी भरकम राशि से इस अस्पताल का मरम्मत हुआ। बहुत तो अच्छी बात है, मरम्मत होनी भी चाहिए। पहले बना था अस्पताल, मरम्मत हुआ, पूरी तरह से अस्पताल को सुसज्जित किया गया। लेकिन अभी आप फिर से देखिए, फिर से रंग रोमन हो रहा है, पूरे झालर लगाए गए हैं। हो सकता है आप रंग बिरंगी रोशनी वाली झालर जो लगाए गए हैं, या जो जांच टीम आई है उसको दिखाने के लिए लगाया गया हो। खैर, लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अस्पताल में हम पहुंचते हैं तो अगर वहां पे हस्ताक्षर रहेगा तो कुछ मरीजों का जो दर्द रहता है वो कम हो जाता है, कहा भी जाता है। तो अस्पताल व्यवस्था से लगता को अच्छी बात है, लेकिन बात सामने आ रही है कि जब इतनी बड़ी राशि से 2,87,00,000 की लागत से अस्पताल का मरम्मत जब हुआ, तो फिर से आखिर अस्पताल के मरम्मत करने की, पेंट पोचारा करने की आखिर जरूरत क्यों मान पड़ी? क्या उस समय अच्छी तरीके से नहीं किया गया? क्या उस समय कुछ करना कुछ था हुआ कुछ ऐसी बात है? खैर, इस बात पर यहाँ की उपायुक्त संजीदा है, गढ़वा उपायुक्त रमेश ढोलक, वह अगर उन तक बात जाएगी, वो उनके संज्ञान में आएगा तो वह जांच निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने में वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वह अकेले भी सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां की व्यवस्था देखते हैं, डॉक्टरों को निर्देश देते हैं, ताकि अस्पताल की जो व्यवस्था है वह बदले और मरीजों को सहूलियत हो। हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, क्योंकि इसी अस्पताल के भरोसे लोगों की जिंदगी निर्भर है, लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था निर्भर है। यह व्यवस्था सुधरे, केवल लफेबाजी न हो, केवल बातें न हो, केवल आश्वासन न हो, वादा न हो, नेक नियत के साथ, सही इरादे के साथ काम हो और सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुधरे। धन्यवाद।